नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। पिछले लेक्चर में हमने करी थी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आज का लेक्चर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर के लिए, जो है ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। देखिए, ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड का क्या मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर पे यहाँ पे लोड लगा होता है सेकेंडरी में, अगर हम उसे हटा दें यानी कि नो लोड कर दें, उसको बोलते हैं नो लोड करना। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड लगा होता है, अगर मैं उसको डिस्कनेक्ट करके हटा दूं तो उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर का नो लोड बिहेवियर कैसा होता है उसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं कि नो लोड बिहेवियर क्या होता है और उसका फेजर डायग्राम किस तरीके से प्लॉट होता है और किस तरीके से ये कार्य करता है नो लोड पे। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम, जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो हमारे पास नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांसफॉर्मर की, उनको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी कभी ट्रांसफॉर्मर मेरा नो लोड पे लगा होता है, यानी ट्रांसफॉर्मर मेरा नो लोड पे है, सेकेंडरी मैंने ओपन कर दी, तो जैसे ही एसी सोर्स यहां पे कनेक्ट होता है, इस एसी सोर्स की वजह से हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट एस्टेब्लिश होगा। अब देखिए, जैसे ही सेकेंडरी हमारी ओपन है, तो जब भी कभी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी ओपन होती है तो ट्रांसफॉर्मर एक प्राइमरी नो लोड करंट ड्रॉ करता है। ये प्राइमरी नो लोड करंट ड्रॉ करता है। इस प्राइमरी नो लोड करंट को एक्साइटिंग करंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्साइटिंग करंट। ठीक है, एक्साइटिंग करंट, आई से लिख दिया मैंने, इसको एक्साइटिंग करंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो नो लोड प्राइमरी करंट होता है, ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, थोड़ा सा होता है। ठीक है, जो कि किसकी कितनी वैल्यू होती है, 2-5% फुल लोड करंट का। यानी कि फुल लोड करंट जो ट्रांसफॉर्मर का है, उसका 2-5% ही सिर्फ ये नो लोड प्राइमरी करंट होता है। अब देखिए, इस नो लोड प्राइमरी करंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स क्या होता है? एक होता है वर्किंग कंपोनेंट, यही लिख देता हूं। ये जो नो लोड प्राइमरी करंट है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है IW, जिसको बोलते हैं वर्किंग कंपोनेंट, और एक होता है हमारे पास IM, जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। वर्किंग कंपोनेंट क्या होता है? देखिए, ट्रांसफॉर्मर की हमारे पास वाइंडिंग है। वाइंडिंग का क्या है? रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस में जो पावर का लॉस कराता है, ठीक है, वो जो होता है हमारे पास, वो वर्किंग कंपोनेंट होता है। और इसी वर्किंग कंपोनेंट को हम एक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। एक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो लॉस कराने का काम होता है, ठीक है ना, वो होता है वर्किंग कंपोनेंट का, जिसको एक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ऐसे ऐसे नाम आजकल पूछे जाते हैं, कहीं ऐसा कंटेंट नहीं मिलना। आप मेरी वीडियो भी देख लोगे ना तो भी आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो बड़ी ध्यान से लिखो, ये जो मैं पॉइंट्स लिखवाता हूं ना, ये बड़े मेन होते हैं, इसको वीडियो देखते समय बिल्कुल ध्यान से सुना करो। वर्किंग कंपोनेंट को ही एक्टिव कंपोनेंट भी कहा जाता है, और जो उसका दूसरा कंपोनेंट है उसको कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग। अब जरा ध्यान से, जो मैग्नेटाइजिंग से आपकी खोपड़ी के अंदर, दिमाग के अंदर क्या आ रहा होगा? मैग्नेटाइज करना। यानी कि मैग्नेटाइज कब होती है चीज? जब कभी फ्लक्स दौड़ता हो, तो ट्रांसफॉर्मर का करंट, नो लोड करंट का वो कंपोनेंट जो कोर के अंदर फ्लक्स चलाने का काम, ये जो फ्लक्स चलता है ना, ये कोर जो मैग्नेटाइज करता है कोर को, ठीक है ना, ये ऐसे FI या मेन फ्लक्स जो जिसकी वजह से चल रहा है, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वजह से कोर मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का क्या होता है? कोर में फ्लक्स बनाना। ठीक है, याद रखना, हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए, कोर में फ्लक्स बनाने का काम किसका होता है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का। अब जरा बड़ी ध्यान से देखिए, मेरे पास इस नो लोड करंट के वर्किंग और मैग्नेटाइजिंग दोनों कंपोनेंट हैं। ठीक है, अगर मुझे कहा जाए, कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई बंदा मेरे से क्वेश्चन पूछ ले कि जरा भाई इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइयो, तो भाई मेरे दिमाग में फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए किस चीज के कॉन्सेप्ट होने चाहिए? बेसिक इलेक्ट्रिकल के। जिस आदमी की बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जब सारा कुछ पढ़ा दूंगा ना मैं, क्योंकि आजकल बेसिक इलेक्ट्रिकल तो पेपर में आता नहीं, लेकिन जब मैं सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा ना, लास्ट में बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाऊंगा, और मेरे से कभी बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ के देखना भाई साहब, आपको अलग ही मजा आएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल को भी ऐसा बेसिक से पढ़ा दूंगा ना, आप भी कहोगे यार ऐसी बेसिक इलेक्ट्रिकल तो हमने किसी जगह पढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो
बेसिक इलेक्ट्रिकल से बनते हैं फेजर डायग्राम। अब जरा मैं जरा ध्यान से अपनी खोपड़ी यहाँ पे चलाऊं, दिमाग यहाँ पे चलाऊं, तो मुझे इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? तो सबसे पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता चला, नो लोड करंट है, दो लोड करंट के दो कंपोनेंट है, एक एक्टिव कंपोनेंट है। जो एक्टिव कंपोनेंट जो है हमारे पास, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लॉसेस के लिए, ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस के लिए, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कोर के फ्लक्स के लिए। अब इसको हटा दो, अब मुझे ड्रॉ करना है इसका फेजर डायग्राम, और उससे मैंने रिलेशंस निकालने हैं। क्या निकालने? रिलेशन जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिलेशन निकालता है जब उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। तो कैसे? अब पहले ध्यान से इक्वेशन, फेजर डायग्राम बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, क्योंकि हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, अब एनालिसिस कर रहे हैं तो इक्वेशंस बहुत अच्छी बननी चाहिए, ठीक है। इक्वेशंस कैसे बननी चाहिए? नो लोड जो है हमारे पास करंट, एक्साइटिंग करंट, वो किसके बराबर है? वर्किंग कंपोनेंट प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलके तो ये बना है ना, ठीक है ना। अब मुझे पता है ट्रांसफॉर्मर को हमने क्या दिया है, एसी, यानी ये एसी करंट की बनने की वजह से बने हैं। अगर एसी करंट, एसी सोर्स की वजह से ये बने हैं, तो सबको पता है एसी में क्या यूज होता है? फेजर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? आई नॉट इज इक्वल टू आई डब्ल्यू बार प्लस आई एम बार, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। अब मैं इसका ड्रॉ करूंगा फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है? सबसे पहले फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें रेफरेंस फेजर चाहिए होता है। अब रेफरेंस फेजर किसको बनाते हैं, किसको बनाते हैं रेफरेंस फेजर? आज तक किसी ने यूट्यूब चैनल पे किसी ने बताया ही नहीं होगा, ठीक है ना, कि रेफरेंस फेजर कैसे चूज करते हैं। आज आपको पता चल जाएगा कि रेफरेंस फेजर किसे चूज किया जाता है, क्योंकि जो असली बंदा है ना यूट्यूब चैनल पे, उसने लेट चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन अब वो आ चुका है, और आगे देखना सेंसेशन बन सकता है मेरा चैनल, एक अच्छा यूट्यूब सेंसेशन, अगर आपका साथ मिला तो, ठीक है। तो अब फेजर डायग्राम बनाने के लिए रेफरेंस किसको लिया जाता है? जो चीज कॉन्स्टेंट होती है दोनों तरफ। कांस्टेंट आपको पूरे सर्किट में क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का, जरा देखना कांस्टेंट क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का पूरे सर्किट में, याद रखना फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर का नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट होता है। ये मेन फ्लक्स मेरा कांस्टेंट है, हेंस मैं इसको रेफरेंस लूंगा फेजर डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो रेफरेंस कैसे लिया? मैंने मेन फ्लक्स को लिया रेफरेंस, मैंने मेन फ्लक्स को लिया रेफरेंस। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, मेन फ्लक्स को मैंने लिया रेफरेंस, ये रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ करी। अगर मेन फ्लक्स को मैंने रेफरेंस ले लिया, ठीक है, तो अब याद रखना एक चीज याद रखनी है कि वर्किंग कंपोनेंट जो होता है, वर्किंग कंपोनेंट जो होता है, ये जो मेन फ्लक्स होता है ट्रांसफॉर्मर का, ये सप्लाई वोल्टेज से लैग करता है, यानी कि ये मेन फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज से लैग करता है। तो अगर ये मेन फ्लक्स मेरा यहाँ पे है, ठीक है ना, और ये सप्लाई वोल्टेज से अगर लैग करता है, तो इसका मतलब क्या करती है, सप्लाई वोल्टेज इससे क्या करेगी, लीड करेगी, और लीड को कहाँ बनाया जाता है, उससे आगे। तो मेरे को सप्लाई वोल्टेज 90 डिग्री इससे लीड करती है, तो मैंने कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है सप्लाई वोल्टेज को V1। ये जो मेन फ्लक्स है, ये सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है ना, कि लैग करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये मेन फ्लक्स सप्लाई डिग्री से 90 डिग्री लैग क्यों करता है, जरा ईएमएफ इक्वेशन देखना ट्रांसफॉर्मर की, फाई क्या, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, हाँ V1 जो फाई मेन फ्लक्स जो है हमारा, वो सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री हमारे पास V1 जो है वो मेन फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करता है, ठीक है, V1 इसीलिए मैंने आगे बनाया हुआ है। एक बात बता देता हूं, जो भी चीज लीड में होती है ना, वो हमेशा आगे रहती है, तो यहाँ पे ये आगे है, ठीक है, ऐसे, और फ्लक्स जो है V1 के वो पीछे है, ठीक है। तो अब V1 जो है वो 5M से लीड कर रहा है 90 डिग्री, तो मैंने 90 का यहाँ पे एंगल बना दिया। अब देखिए वर्किंग कंपोनेंट क्या करता है, वर्किंग कंपोनेंट क्या करता है लॉसेस क्रिएट करता है, यानी कि वर्किंग कंपोनेंट एक तरीके का कैसा कंपोनेंट है, रेजिस्टिव कंपोनेंट है, तभी तो वो लॉसेस करता है ना। ये कैसा कंपोनेंट है, रेजिस्टिव, वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से है ना ये। तो वर्किंग कंपोनेंट कैसा कंपोनेंट है, रेजिस्टिव। तो रेजिस्टिव कंपोनेंट कैसा रहता है, सप्लाई वोल्टेज के इन फेज। तो मेरे को वर्किंग कंपोनेंट कैसे बनाना है, सप्लाई वोल्टेज के इन फेज बनाना है। तो मैंने वर्किंग कंपोनेंट को IW को सप्लाई वोल्टेज के इन फेज बना दिया, ठीक है, एसी सर्किट्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सप्लाई वोल्टेज के मैंने इन फेज बनाया। अब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट
जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स। अब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट फ्लक्स बनाता है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या बनाता है, फ्लक्स। इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स बनता है, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इन फेज किसके रहेगा, किसके फेज में रहेगा, फ्लक्स के। तो इसलिए मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट मेरा कहां पे आ गया, फ्लक्स के इन फेज में। अब ध्यान रखिए, अगर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM, रुको साफ कर लिख दो इसको, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM मेरा फ्लक्स के इन फेज आ गया, तो वर्किंग कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का फेजर सम कौन सा है, नो लोड प्राइमरी करंट है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों से बन रहा है। अब देखिए मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट मेरा यहां पे है, वर्किंग कंपोनेंट मेरा यहां पे है, तो इन दोनों का फेजर सम एसी सर्किट्स में रिजल्टेंट को क्या लिखते हैं, ये रिजल्टेंट है ना आई नॉट, इन दोनों का। तो मैग्नेटाइजिंग मेरा कंपोनेंट यहां पे है, वर्किंग कंपोनेंट मेरा यहां पे, तो रिजल्टेंट कहां पे आता है, 90 डिग्री वेक्टर का बीच में, ये रहा। और ये क्या हो गया, ये क्या टोटल आ गया मेरे पे, रिजल्टेंट बीच वाला, तो ये रिजल्टेंट क्या हो गया मेरे पे, आई नॉट, ठीक है, रिजल्टेंट क्या हो गया मेरे पे, आई नॉट, नो लोड एक्साइटिंग करंट, ठीक है। अब जरा देखिए मुझे इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, कंपोनेंट्स कैसे निकालने हैं, कंपोनेंट्स कैसे निकालने हैं, ये एंगल अगर मेरा थीटा है, ठीक है, तो ये वर्किंग कंपोनेंट की साइड क्या होगी, इधर वाली, आई नॉट कॉस थीटा, ठीक है, ये रिजॉल्व कर रहा हूं मैं वेक्टर, फिजिक्स के लॉ लगा रहा हूं, रिजॉल्व करा, वर्किंग कंपोनेंट आई नॉट कॉस थीटा हो गया, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर का एंगल आई एम साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा आता है, ठीक है ना, वेक्टर आपने वो पढ़ा होगा फिजिक्स में, वेक्टर को जब रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, आई एम साइन थीटा हो गया। अब जरा यहां से निकाल, आई नॉट साइन थीटा हो गया, अब जरा कॉस थीटा निकालो यहां से, तो कॉस थीटा क्या आ गया यहां से, वर्किंग कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नो लोड करंट, ठीक है, और साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा क्या आ गया, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नो लोड करंट, ठीक है, नो लोड करंट, ठीक है, नो लोड करंट। तो ये रिलेशंस पूरे पूरे याद रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो टोटल नो लोड करंट होगा, टोटल नो लोड करंट क्या होगा, टोटल नो लोड करंट अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो ये होगा, क्योंकि जब फेजर को खोला जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में एसी सर्किट्स में पढ़ते हैं, फेजर को खोला जाता है तो क्या बन जाता है, ऐसे करके ये स्टाइल होता है लिखने का, IW स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, ऐसे I नॉट निकालते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है, आगे जाके, ठीक है। और हमारे पास, हाँ, एक और चीज यहां से पूछ सकते हैं कि नो लोड पावर लॉस क्या होता है ट्रांसफॉर्मर जब नो लोड पे होता है, तो नो लोड पावर लॉस क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का, यहां पे लिख देता हूं, नो लोड पावर लॉस वो बराबर होता है पी नॉट के, पी नॉट के जो होता है वी इंटू आई नॉट कॉस फाई नॉट, ठीक है, पी इंटू आई नॉट कॉस फाई नॉट होता है, नो लोड पावर लॉस है पी इंटू आई नॉट कॉस फाई नॉट, ठीक है, वी वी वन इंटू आई नॉट कॉस फाई नॉट, यह नो लोड पावर लॉस। एई के लिए भी, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी ये पूरा एनालिसिस काम आता है, ठीक है, क्योंकि उससे भी आजकल ये बारीकी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एई पे, ठीक है। तो पी नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट कॉस फाई नॉट, तो ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है, तो ये सारे रिलेशन याद रखना, और ये जो फेजर डायग्राम है इसको याद रखना। थैंक यू।